उधमपुर जी देखिए इस तरह की इंसीडेंट हो रही तो थोड़ा अपने आप में थोड़ा चकन्ना रख के चलना ठीक है। कंडक्टर जेड़े हैं वो खास तौर जी मैं चीज समझाई है कि भाई बम स्किटी बम चले दे जूता कोई भी समान रख जाता उस समान का भी ध्यान रखना स्कीकर का भी ध्यान रखना पूरी तरह गड्डी में चेक करके फिर आशा पी के दोबारा गड्डी में नज़र मार के एक तरह अपनी तसली करके फिर बैठना सवारी का ध्यान रखना सवारी के समान का ध्यान रखना कि भाई जी सवारी जो समान लैके आए करती है वो समान लैके उतरी भी है। मंजीत मारो ना टडल रेस लाग से एक्सीडेंट हो गया तो फिर किसने पता लगा सारे सारे इतने जान लेके जाने चंद बंदे अस चाहे नहीं अपनी गल ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੀ ਸਰ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਉਹ ਰੀਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁੰਛ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੁੰਛ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਸਰਚਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦੀਗਰ ਮਕਾਮਾਤ ਪੇ ਦੇਖਾ ਉਸਕੇ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਏਰੀਆ ਜਹਾਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ और हमारी पार्टी अभी भी सराउंडिंग एरिया में चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ एक ड्राइवर्स और यहाँ की यूनियन के साथ एक मीटिंग की, उनको स्टिकी बम्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हमने अवेयर किया, अवेयरनेस दी, और साथ साथ में हमने ये बोला कि जो आजकल ड्राइवर्स जो हैं वो बसेस को तेज़ चलाते हैं, तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको रोकने की हमने कोशिश की, उनको बताया कि किस तरह से चलना है और एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का खास तौर पे कोऑपरेशन करना है। ठीक है, तो हम पहले भी मीटिंग करके यहाँ लोगों से दर्ज करते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। जैसे आप आगे पीछे के डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर वगैरह में आप देख रहे हैं काम हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी 5-10 मिनट आपने आपने अच्छे से गिर भी देखा अपनी गाड़ी को भी देखा थोड़ी सी इनकी बसेस का एक्स्ट्रा है नीचे वाले बस स्टैंड पर लगाते हैं कि जब आएगी पुलिस निकाल।
जीप या और कहीं ना कहीं आगे पीछे चिपकी नहीं रहनी है, ठीक है, प्रूफ देखो, बिल्कुल लग रही बहुत छोटी है लेकिन नुकसान पहुँचा है सभी अगर तुम बाकी के अपने साथियों की दसा, ठीक है, रेडिएशन प्रेजेंट नहीं भी है उन्होंने भी दसा मैं देखो है वो चाहते नहीं कि यहाँ की कोशिश करते रहते हैं। वैकेंसी तो जे एन के में है, आपको पता है काफ़ी अच्छे से है, अभी ख़त्म नहीं होगी तो कहीं भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलजुल के हिसाब से रहना है, इसलिए आपको कोऑपरेशन हमें चाहिए और हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए कहीं कभी भी हाजिर हैं। गाड़ियाँ अपनी हाजिर का मत लगाएँ, अगर लगाएँ तो एक बार फिर से नज़र मार के उस पर चढ़े स्टार्ट करें, ठीक है। सवारी जब बैठाते हैं तो अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हमने ले जानी है, लोगों की जान लेके जा रहे हैं। जिस तरह से आप रेस लगाते हैं दूसरे के साथ, ये इन दिनों में कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी जाने गई, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओवर लोडिंग ना हो, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, जगह जगह नाके हैं, लेकिन देखो पुलिस का भी एक लिमिटेड एक हद होती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मारी जाती है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने वक्त पे निकलो, दूसरे की रेस दे के आगे भागने की कोशिश मत करो, जिसमें मिल जाए आगे भाग के कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। जो आपकी किस्मत में भारी होगी वो उसे टाइम पहुँचेगी जिस टाइम तो आपकी गाड़ी पहुँचेगी। तो रेस लगाने की, नशा करके गाड़ी पे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और